नमस्कार दोस्तों, मैं एसेंसा एसेंस शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कटिंग से गेंदा का फूल, मैरीगोल्ड का पौधा कैसे तैयार करें। अब चलते हैं, थोड़ा सा बीज लगाए थे और वहाँ कटिंग करेंगे। एक ब्लेड लिए हैं हम, उसे कटिंग करेंगे और फिर हम तैयार कर कैसे करते हैं आप देखिए। आप देख सकते हैं, यह हम बीज के द्वारा थोड़ा सा बीज हम ग्रो कर दिए थे, जो कि यह पौधा हो चुका है और इसे हम कटिंग करेंगे। उसके बाद इससे ढेर सारा इसमें इसका अथी छोड़ेगा, बुग्गा छोड़ेगा और उसमें ढेर सारा फूल लगेगा। तो इसके लिए हम यह छोटा छोटा कटिंग लेते हैं। आप देख सकते हैं, एक चार कटिंग लिए हैं जो कि हम इसे पौधा तैयार करेंगे। लिए हम बालू लिए हैं, बिल्कुल यह सैंड है जो मकान बनाने में काम आता है, वह बालू है बिल्कुल। और चार हम छोटा छोटा गमला लिए हैं 1 इंची का। आप देख सकते हैं इसमें होल बना हुआ है, ड्रेनेज होल, जिससे पानी निकल सके। इस चारों छोटा छोटा गमला में हम ये बालू को भर देंगे। ये मिट्टी हम भर चुके हैं और इसे हम ये चारों कटिंग तैयार है और इसमें हम होल करेंगे। चारों में होल कर देते हैं। और इसको मात्र इतना गला देंगे। हम सभी को कटिंग को डिप कर रहे हैं। और इसमें हम पानी डाल देंगे। इसको अब 15 दिन के या 10 दिन में जड़ निकल जाएगा। इसके लिए हम शेडी इलाका जहाँ ठंडा रहता है वहाँ रख देंगे। मिलते हैं आपसे 15 दिन के बाद। 15 दिन बाद फिर से हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक गमला लिए हैं जिसमें आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल है। इस पर एक गमला का टुकड़ा रख देंगे या पत्थर रख देंगे, वहाँ से पत्थर। इसको इस प्रकार से हम रख दिए जिससे यह जाम नहीं हो, पानी निकल सके। और मिट्टी हम बालू और साधारण मिट्टी देकर यह मिट्टी तैयार किए हैं। इसको हम इस गमला में भर देते हैं। एक गमला में ही केवल पौधा लगाएंगे। मिट्टी भर दिए हैं, अब देखते हैं इसमें जड़ आया है कि नहीं। देख सकते हैं यह चारों पौधा
ये 15 दिन हो चुका है और देखते हैं इसमें जड़ है या नहीं है। इसके लिए हम निकालते हैं, आप देख सकते हैं यह 15 दिन में कैसा जड़ हो चुका है। इस प्रकार से आप घर पर आप पौधा तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जड़ को आप देख सकते हैं, और पौधा लगाकर घर पर आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से पौधा तैयार कीजिए और अपने गार्डन में लगाइए। जय हिंद, जय भारत।